मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों का उपचार रिश्तेदारों के साथ में भर्ती रख के करते हैं और बिना रिश्तेदार भर्ती रख के उनका इलाज करते हैं। आजकल काफी सारे पेशेंट डिप्रेशन के हमारे पास में आते हैं, निराशा, उदासीनता और काफी सारे डिप्रेस हुए लोग आते हैं। तो कुछ लोगों का डिप्रेशन तो केमिकल लोचा है दिमाग में, मतलब केमिकल इंबैलेंस है, उसकी वजह से होता है। और कुछ लोगों का डिप्रेशन जो है वो दिमाग में कुछ अपने आप से जो उनकी बातचीत चालू रहती है, स्वसंवाद चालू रहता है और इतने सालों से अतीत से स्वसंवाद आ रहा है उससे होता है। मतलब ऐसी कोई घटना है भूतकाल में हो जाती है, वो जो घटना होती है वो घटना से एक अपने आप से हम बातचीत करते हैं, एक हमारा निर्णय बना लेते हैं, एक हमारा हमारे ऊपर एक विश्वास बन जाता है और वहाँ से फिर हम जीवन जीते हैं और ऐसे लोगों को डिप्रेशन जल्दी आ जाता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे अंदर बैठी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं, जहाँ से हम व्यवहार करते हैं और वो बातें जो हमारे दिमाग में बैठी है अपने आप के बारे में बातचीत, स्वसंवाद, वो आया हुआ है अतीत से, भूतकाल से आया हुआ है। कुछ ना कुछ घटना हुई, वहां से हमने निर्णय लिया कि ऐसा मैं हूं। ऐसी कौन सी बातें हैं, हो सकता है कि आपको इसमें की लागू होंगी। देखो, आपसे जो बातचीत करते हो वो कौन सी करते हो, तो मैं आपको कुछ बताता हूं। मिसाल के तौर पर ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं आई एम स्मॉल पर्सन ना, मैं बहुत छोटा हूं, मेरे में कुछ तो भी कमी है, मैं ना इतना अच्छा नहीं हूं बाकी लोगों जैसा, मेरा आत्मविश्वास कम है, मुझे बहुत कम आत्मविश्वास है, मैं लोगों से आत्मविश्वास के साथ में बातचीत नहीं कर सकता। हाँ, मैं अकेला एक दो लोगों से बातचीत करता हूं, चार लोगों के सामने मुझे बोला तो मैं बातचीत नहीं करूंगा, मैं ना बार बार फेल होता हूँ, पता नहीं मुझे क्यों फेलियर का सामना करना पड़ता है, मैं बार बार फेल ही होता, मेरा नसीब बहुत खराब है, कुछ भी मैं हाथ लगाऊं तो मिट्टी हो जाती है, कुछ लोग हाथ लगाते उनको सोना मिल जाता है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं अकेला अकेला हूँ, मैं कमजोर हूँ, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, लोग मुझे नीचा दिखाते, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, मैं इतना होशियार नहीं हूँ कि मैं ये कर सकूं, ये मेरे से होगा नहीं, ये मेरे कैपेसिटी की क्षमता की बाहर की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूं तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे ये कहेंगे, मुझे लोग ये कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और मैं ऐसा करूंगा तो अच्छा दिखेंगे नहीं, और इसलिए मैं करता नहीं हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं और इसलिए मुझसे ये होगा नहीं, मेरे से जमेगा नहीं, मैं इतना इतना बहुत होशियार नहीं हूं या इंटेलिजेंट नहीं बाकी लोगों जैसे, या मुझे मतलब इतनी अकल नहीं, बाकी लोगों को काफ़ी सारी अकल है, बाकी लोग फटाफट काम कर लेते हैं, मैं बहुत स्लो हूँ, मेरे को इतनी अकल नहीं, या मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया हुआ है, मैंने बहुत पाप किए हुए, मैंने अतीत में बहुत अच्छे काम नहीं किए और मुझे लगता है कि लोग मेरे खिलाफ है, लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते नहीं, लोग मेरे ऊपर कोई प्रेम नहीं करते, प्यार नहीं करते। अभी एक लेडी मेरे पास में आई थी, उसको वही डिप्रेशन, उसका ही डिप्रेशन था कि लोग मेरे को प्यार नहीं, मेरे ऊपर प्यार नहीं करते। मैं उसको बोला कि आप कितने लोगों को प्यार करते, बताओ आप कितने से प्यार करते हो, भाई लोग आपसे क्यों प्यार करें। उसको डिप्रेशन वही बात से था कि लोग मेरे ऊपर प्यार ही नहीं करते, लोग मेरा अपमान करते हैं, मैं अकेला हूं, मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा, भविष्य मेरा कोई अच्छा नहीं है, और जैसा मैं हूं ऐसा इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी गलत है। तो इतने सारे कॉन्वर्जेशन, हो सकता है कि सबको ऐसे सब कॉन्वर्जेशन होंगे नहीं, हो सकता है कि इसमें के दो चार कॉन्वर्जेशन आपके दिमाग में होंगे, सबके सब एक को रहते नहीं है, मगर ये कॉन्वर्जेशन जब दिमाग में रहते हैं, बैकग्राउंड में रहते हैं कॉन्वर्जेशन, तो फिर जब बैकग्राउंड में कॉन्वर्जेशन रहते हैं तो फिर सामने जब हम एक्शन करते हैं तो एक्शन भी उसी प्रकार के होते रहते, फिर सफलता मिलती नहीं, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, और जैसे ही प्रॉब्लम्स आते रहे तो
तो ऐसा लगता है व्यक्तियों को कि भाई मेरे जीवन में बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, मुझे बहुत मतलब हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, मुझे आसानी से कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी बात मुझे तो आसानी से मिलेगी नहीं, और फिर कुछ भी हो जाता है वो फेल हो जाता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, कठिन मतलब काम करना पड़ता है, और उससे फिर उसको धीरे 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 डिप्रेशन आना चालू हो जाता है। तो जब डिप्रेशन के मरीज हमारे पास में आते हैं तो हम देखते हैं कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाके बैठा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप से उसने क्या स्वसंवाद बिठा के रखा हुआ है, कौन से बिलीफ उसने पक्के करके रखे हुए, कौन सा अपने आप के बारे में विश्वास पक्का करके रखा हुआ है, और काउंसलिंग में वो विश्वास जो है जो अलग तरह से मतलब गलत विश्वास अपने आप के बारे में पक्के बना के रखे हुए उसको निकालना पड़ता है। निकाल तो सकते नहीं है, वो तो विश्वास है, तो उसको प्रेजेंट करवा के देना पड़ता है कि ऐसे विश्वास है, अभी नया क्या कर सकता है, और ये विश्वास जो है वो आपने अपने बारे में बना के रखे हुए, कुछ तो भी अतीत में हो और अपने आप के बारे में एक विश्वास तैयार कर लिए, एक अपने आप के बारे में मत तैयार किया और वहां से आपको डिप्रेशन आ रहा है। तो ये लोग एक तो डिप्रेशन को जल्दी मतलब उसको जल्दी सकम हो जाते हैं, जल्दी मतलब उनको डिप्रेशन आ जाता है, या फिर डिप्रेशन जल्दी आ गया या डिप्रेशन लेट भी आ गया तो जल्दी अच्छे होते नहीं, तो काउंसलिंग में काफ़ी सारा बाहर निकलता है। उनको हम बोलते कि अभी नया क्या संभव है आपके जीवन में वो देखो, और आपने सब ये कॉन्वर्जेशन बनाए हुए, अभी आप ही नए कॉन्वर्जेशन कौन से कर सकते हो वो देखो, और इसमें उनका डिप्रेशन धीरे 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 अच्छा होता है। दवाइयों का भी सपोर्ट उनको देना पड़ता है, काम पड़ा तो कुछ दवाइयाँ जो है एंटी डिप्रेशंस जो है वो उनको देते हैं, कि जो एंटी डिप्रेशंस दवाई देने के बाद में केमिकल लोचा जो भी कुछ तैयार हुआ हो वो भी ठीक हो जाता है। केमिकल इम्बैलेंस जो है जैसा कि सेरोटोनिन कम होना, डोपामिन का कम होना या बाकी एंडोर्फिन्स का कम होना, वो जो कम हो जाते हैं वो भी वो लिफ्ट होते ऊपर आ जाते हैं और डिप्रेशन अच्छा होता है। काफ़ी सारे लोग आपके परिचित होंगे जो ये कॉन्वर्सेशन में डूबे होंगे, जरूरी वीडियो उनको शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डालो, सब्सक्राइब करो, फेसबुक ग्रुप के ऊपर डालो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये फैलाओ, लोगों को मालूम पड़ेगा कि अरे हमको डिप्रेशन क्यों आ रहा है, हम डिप्रेस क्यों हो रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ रही, उत्पादन क्षमता क्यों नहीं बढ़ रही। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमें करना है, हमारा विजन है, उसके लिए हम काम करते हैं, आपका भी हाथ इसमें लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।